एंट्रेंस डोर है जहां पर अब पुलिस की एक भारी नफरी मौजूद है और उसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो ये जानते हैं कि चौधरी परवेज इलाही घर पर मौजूद नहीं है और उनके बेल ऑर्डर्स भी देख चुके हैं। बस ये अभी मैं सुन रहा था, जो प्रोसिक्यूटर जनरल है पंजाब के, वो भी यही बात कर रहे थे कि ये बिल्कुल जिस तरीके से रात की तारीकी में 12 बजे ये शव खून मारा गया एक तरीके से, ये गलत है, इसका कानून में कोई जवाब नहीं है। ये वाइट कॉलर क्राइम है, अगर कोई क्राइम है भी तो उसके लिए तो ये इतनी पुलिस, ये तो बिल्कुल किसी को बड़ा कोई दहशतगर्द अगर आपने पकड़ना हो और उसकी तरफ आप इस तरह से रेड करते हैं। लेकिन यहाँ पे जमानत हो चुकी है और अफसोसनाक बात यह है कि उनके वकला ने वो जो जमानत के पेपर हैं वो दिए अथॉरिटीज को, सर्टिफिकेट भी दिया, पेपर भी दिए, और वो कहा कि जनाब ये यहाँ पर बिल्कुल इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। उन्हें बताया भी गया कि चौधरी साहब घर में नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी नहीं, क्योंकि वो बेसिकली जो ये सब कुछ कर रहे हैं ये प्री प्लान है, ये कोई इसलिए नहीं है कि कोई अचानक कोई उन्होंने सोचा फैसला किया, ये प्लान करके मुल्क में दहशत फैलाने की कोशिश की जा रही है। जो इस वक्त इमरान खान के साथ हैं, जो लोग पीटीआई के साथ हैं, उनको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि आप सबका हम यही असर करेंगे, भले आप अदालतों से ले आए रिलीफ जो कुछ भी हो आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। यहाँ पर एक पर्चे में जमानत होती है तो आप बाहर निकलते हैं तो गेट से जो पुलिस वाला बाहर खड़ा वो कहता है जी मेरे साथ इसने ज्यादती की है, तो कार्य सरकार मदाखलत में एक पर्चा दर्ज कर लिया जाता है और उसमें उसको पकड़ लिया जाता है और फिर उसको पूरे पाकिस्तान की सैर कराई जाती है। ये तो सूरत हाल है। तो जो अफसोसनाक बात है कि यहाँ पे अब जो कानून और आईन है वो पीछे चला गया। आपको याद होगा विशाख डार साहब यूं हाथ हिला हिला के कह रहे हैं कि क्या हो गया है?